हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो क्वेश्चन सीरीज 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसका मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि, इसमें सिद्ध क्या करना है, 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। अब इसके लिए, इसका प्रूफ करने से पहले आप लोगों को सिंपल से थोड़े मैं एप्लीकेशन लिखा देता हूँ, उनको लर्न करिएगा। अगर 1090 माइनस थीटा लिखा है तो उसे कॉट थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहीं पे इसका यूज हो जाएगा, सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा यहाँ पे और कोई यूज ही नहीं होगा। अब देखिएगा, LHS लेकर के चलेंगे। LHS में क्या है, 1048 डिग्री इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, ठीक है, जे LHS में दे रखा है। अब देखिएगा, 48 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, ठीक। मतलब 90 से अगर 42 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 48 मिलेगा। ऐसे ही 1023 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 67, ठीक। अब बाकी जो दो टेंजेंट्स दे रखे हैं उनको ऐसे ही लिखेंगे, 1042 डिग्री इंटू 1067, ठीक है। अब देखो, इसे लिख सकते हैं काट 42, अजय हो गया काट 67। भाई इसका यूज कर लीजिए ना, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, 42। ऐसे 1090 माइनस 67 हो जाएगा काट 67, ठीक। और इंटू क्या दे रखा है, 1042 इंटू 1067। एक चीज़ और पता होगी तुम लोगों को, काट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, ठीक है। तो काट थीटा को लिख लेंगे 1/10, मीन्स 1/10 42 इंटू 1/10 67, और इधर क्या दे रखा है, 1042 और इंटू 1067। अब देखो, 1040 से 40 कैंसिल, 1067 से 1060, और देखो 1 और इंटू 1, हर जगह 1 बचे ना, तो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। तो थैंक यू गाइस, इस सीरीज में बने रहिएगा, मैं मतलब हर वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम के लेवल पे बहुत ही अच्छा होगा, एग्जाम में पूछने लायक होगा। तो थैंक यू गाइस।